एक बार फिर आपका स्वागत है गिज़्मो इंडिया यूट्यूब चैनल में, और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल नॉलेज यानी टेक्नो, जहां हम कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई आपकी नॉलेज को और बेहतर बनाने की। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, अब गिज़्मो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक नई लीक निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, जहां सैमसंग अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A60। सैमसंग गैलेक्सी A60 में हमें वैसा ही डिस्प्ले देखने मिलेगा जैसा हमने सैमसंग गैलेक्सी A8s में देखा था, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें दिया गया है 6.3 इंच फुल HD इन्फिनिटी ओ एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर, 6GB रैम, अप टू 128GB इंटरनल स्टोरेज, और ये फोन आता है 3500mAh बैटरी के साथ। अगर हम रूमर्स की माने तो इस फोन में हमें देखने मिलेगा ट्रिपल रेयर कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिलेगा, और इस फोन की कीमत हो सकती है 25,000 के आसपास। Google Pixel 4 सीरीज के कुछ इमेजेस लीक हो चुके हैं, और जैसे कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, Google भी बाकी स्मार्टफोन ब्रांड्स की तरह 3 फोन लॉन्च करेगा Google Pixel 4 सीरीज में, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL और Google Pixel 4 Lite। तीनों ही स्मार्टफोन में हमें देखते मिलेगा पंच होल डिस्प्ले, जहां Google Pixel 4 और Pixel 4 Lite में हमें देखने मिलेगा सिंगल सेल्फी कैमरा, वहीं Pixel 4 XL में हमें देखने मिलेगा डुअल सेल्फी कैमरा। Pixel 4 और Pixel 4 Lite में हमें सिंगल रेयर कैमरा देखने मिलेगा, और Pixel 4 XL में हमें देखने मिलेगा डुअल रेयर कैमरा। पिक्सल 4 सीरीज में हमें ना ही कोई फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलेगा और ना ही कोई स्पीकर, क्योंकि इसका डिस्प्ले ही दोनों का काम करेगा। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा और होगा इसमें स्क्रीन स्पीकर, जिसमें गूगल स्क्रीन को ही एज ए स्पीकर यूज करेगा। और पिक्सल 4 सीरीज में हमें ना ही कोई सिम ट्रे देखने मिलेगा और ना ही कोई 3.5mm ईयरफोन जैक, क्योंकि इसमें यूज हुआ है ई सिम टेक्नोलॉजी, और इस फोन में हमें सिर्फ देखने मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट और प्राइमरी और सेकेंडरी माइक्रोफोन। इसके स्पेसिफिकेशंस की तो अब तक कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं, पर जैसे ही अवेलेबल होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। Xiaomi ने अपना नया स्मार्टफोन Redmi 7 लॉन्च कर दिया है। देखने में तो ये Redmi Note 7 Pro की तरह ही दिखता है, लेकिन इसकी इंटरनल्स में बहुत सारी चेंजेस है। इसमें हमें देखने मिलेगा 6.26 इंच HD डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले नहीं है, स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर, अप टू 4GB रैम और अप टू 64GB इंटरनल स्टोरेज। ये फोन आता है 4000mAh बैटरी के साथ, और ये फोन आता है P2i स्प्लैश प्रूफ के साथ। कैमरा की बात करें तो इसमें दिया गया है 12 MP प्लस 2 MP डुअल रेयर कैमरा और 8 MP फ्रंट फेसिंग कैमरा। फिलहाल तो Redmi 7 सिर्फ अवेलेबल है चाइना में, लेकिन ये जल्द ही इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगा। उसकी 2GB वेरिएंट की प्राइस होगी 7,499, 3GB वेरिएंट की प्राइस होगी 8,499 और 4GB वेरिएंट की प्राइस होगी 10,499। Xiaomi ने अपना नया प्रोडक्ट Redmi Air Dots लॉन्च कर दिया है। Redmi Air Dots एक वायरलेस ईयरफोन है जो कि काफी हद तक सेम दिखता है एप्पल के एयरपॉड्स की तरह। ये एक ब्लूटूथ कनेक्टेड ईयरफोन है जो काम करता है एप्पल के एयरपॉड्स की तरह ही, लेकिन ये बहुत ही अफोर्डेबल है और इसकी प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में भी अवेलेबल होता है तो इसकी कीमत हो सकती है 1,000 के आसपास, और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस है एक वायरलेस ईयरफोन के लिए। सैमसंग ने ठान लिया है कि वो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड Xiaomi को हरा कर ही रहेगा, तभी तो वो एक के बाद एक अपने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करे जा रहा है। एक और लीक निकल के आ रही है जहां सैमसंग अपना नया स्मार्टफोन गैलेक्सी A40 लॉन्च करने की तैयारी में है। गैलेक्सी A40 में हमें देखने मिलेगा इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले होगा। इस फोन में हमें डुअल रेयर कैमरा भी देखने मिलेगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिलेगा। ये फोन आएगा एक्सिनो 7885 प्रोसेसर के साथ, जिसमें हमें देखने मिलेगा 4GB ऑफ रैम और 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। ये फोन आएगा 4000mAh बैटरी के साथ। इस फोन में हमें 3.5mm ईयरफोन जैक तो देखने मिलेगा ही, और साथ में देखने मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट जो कि एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी करेगा, और ये फोन की कीमत हमें देखने मिलेगी 20,000 के आसपास। Xiaomi ने अपना नया गेमिंग स्मार्टफोन ब्लैक शार्क 2 लॉन्च कर दिया है। Xiaomi Black Shark 2 में हमें देखने मिलेगा 6.39 इंच फुल HD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर, अप टू 12GB रैम और अप टू 256GB इंटरनल स्टोरेज। Black Shark 2 में हमें देखने मिलेगा डुअल रेयर कैमरा, जिसमें है 48 मेगापिक्सल का सैमसंग GM1 सेंसर और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस जो है सैमसंग सेंसर। बहुत ही शॉकिंग है जब Xiaomi Redmi Note 7 Pro में दे सकता है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 सेंसर, और फ्लैगशिप फोन में दे रहा है वो सैमसंग का GM1 सेंसर। इस फोन में हमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी देखने मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और देखने मिलेगा 4000mAh की बैटरी। ये फोन आता है 4 वेरियंट में, जो इसका बेस वेरियंट है 6GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत है 32,000 रुपीज। जिसका दूसरा वेरियंट है 8GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत है
36,000 रुपीस, और इसका जो तीसरा वेरिएंट है 8GB 256GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत है 39,000 रुपीस, और इसका जो सबसे टॉप वेरिएंट है 12GB रैम विद 256GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत है 43,000 रुपीस। बाकी Xiaomi के फ्लैगशिप फोन्स की तरह इसका भी इंडिया में आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। Honor ने इंडिया में अपना नया स्मार्टफोन Honor 10 Lite लॉन्च कर दिया है। Honor 10 Lite एक मिड रेंज स्मार्टफोन है जिसमें हमें देखने मिलेगा 6.21 इंच का फुल HD ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, Kirin 710 प्रोसेसर, अप टू 6GB रैम और अप टू 64GB इंटरनल स्टोरेज। ये फोन चलता है Android 9 Pie पर, जो साथ में आता है इमोशन UI 9 के साथ। इस फोन में हमें देखने मिलेगा 3400mAh की बैटरी। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें दिया गया है 13MP प्लस 2MP का डुअल रेयर कैमरा और 24MP का सेल्फी कैमरा। ये स्मार्टफोन अवेलेबल है 3 वेरिएंट में और इसकी प्राइस है 3GB रैम विद 32GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस है 11,999 रुपीस, 4GB रैम विद 32GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस है 13,999 रुपीस, और जो इसका टॉप वेरिएंट है 6GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत है 17,999 रुपीस। ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो आपको 12,000 के प्राइस में 24MP सेल्फी कैमरा का फीचर्स दे रहा है, और ये फोन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होगा सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। अगर आप एक बजट स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो टेक्नो आपके लिए लाया है एक नया स्मार्टफोन। टेक्नो लाया है टेक्नो कैमोन आई स्काई 3। टेक्नो कैमोन आई स्काई 3 में आपको मिलेगा 6.2 इंच HD डिस्प्ले, हिलियो मीडिया टेक A22 प्रोसेसर, 2GB रैम विद 32GB इंटरनल स्टोरेज, और ये फोन आता है 3500mAh बैटरी के साथ। कैमरा में टेक्नो ने दिया है 13MP प्लस 2MP का ड्यूअल रेयर कैमरा और 8MP का सेल्फी कैमरा। इस फोन की कीमत है 8,599 रुपए और जल्द ही ये आपको सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। जल्दी हमें मोटोरोला का एक नया स्मार्टफोन देखने मिलेगा जिसका नाम तो अब तक कंफर्म है नहीं, लेकिन उसका कोड नेम है विजन। इस फोन में हमें देखने मिलेगा एक पंच होल डिस्प्ले, और इसमें जो मोटोरोला ने प्रोसेसर यूज किया है वो ना ही कोई स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और ना ही कोई मीडियाटेक प्रोसेसर। इस फोन में मोटोरोला ने यूज किया है सैमसंग का एक्सिनोस 9610 प्रोसेसर, जो कि केपेबल है टक्कर देने के लिए स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर को। इस फोन में हमें देखने मिलेगा अप टू 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, USB टाइप सी पोर्ट और 3.5mm ईयरफोन चेक। ये फोन आएगा डुअल रेयर कैमरा के साथ, और इसकी बस इतनी ही स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है। बाकी जब स्पेसिफिकेशन अवेलेबल होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। हाल ही में पोको F2 देखा गया है गीक बेंचमार्क में, जहां वो चल रहा था एंड्रॉयड 10 क्यू पर, और देखा गया है पोको F2 में 4GB की रैम। इसकी स्कोरिंग बहुत ही अच्छी आई है, हो सकता है इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया हो। फिलहाल के लिए तो अभी इतनी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी के लिए तो फोन सिर्फ टेस्टिंग स्टेज में है। ये फोन कब लॉन्च होगा और इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी डिटेल तो अभी अवेलेबल है नहीं, जैसे ही अवेलेबल होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गिज़्मो इंडिया यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।